$32 बिलियन। ये उतना पैसा है जो इस धनतेरस और दिवाली में एक्चुअली स्पेंड होगा भारत देश में। बच्चे कुछ खरीदेंगे, बीवी कुछ लेगी, पापा भी कुछ खरीदेंगे, और आईफोन तो आ ही गया तो शायद वो आप भी खरीद लो। बट इतना पैसा में से 32 बिलियन में से कुछ 9 बिलियन ई कॉमर्स अलोन में स्पेंड हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर डिमांड इतना है, खर्चा इतना हो रहा है, तो बिजनेसेस तो पैसे बनाएंगे। तो इस धनतेरस और दिवाली के लिए ऐसे दो स्टॉक्स हम चुने हैं जिसके बारे में आज हम बताएंगे और सीखते हैं कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं, इनकी स्टोरी क्या है और इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। $75 मिलियन लोग इस सीजन में खर्चा करेंगे, जो बायर्स हैं। 75 में से 50 मिलियन टीयर टू और सिटीज या टीयर थ्री सिटीज में से। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर एक्चुअली कंजम्पशन बढ़ा रहे, असली भारत इज स्पेंडिंग दिस सीजन एज वेल। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो ये क्या खरीदेंगे? आईफोन तो हो नहीं सकता, वैसे उसका स्टॉक भी नहीं है इंडिया में। तो ये कौन सी चीज़ है? आपको लग रहा होगा शायद रियल एस्टेट है या कोई एयरलाइन कंपनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ योर सिंपल राजमा चावल, नहीं नॉट राजमा चावल बट एक्चुअली TTK प्रेस्टीज, जो उसका प्रेशर कुकर बनाती है। ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी शुरू होती है कुछ 100 साल पहले विद मिस्टर TTK कृष्णमाचारी। अब उन्होंने शुरू किया था ये किचन अप्लायंसेस का बिजनेस। अलग अलग जगह पे वो ट्रेड करते थे, मैन्युफैक्चर से कनेक्ट करते थे और किचन अप्लायंसेस बेचते थे मद्रास, जो आज चेन्नई कहलाया जाता है। ये काफी अच्छा बिजनेस बन गया, ग्रो कर रहा था, प्रॉफिटेबल था, अच्छा कर रहा था। फिर इनके बेटे आए जो थे मिस्टर नरसिम्हन। नरसिम्हन ने सोचा कि इसको तो इंटरेस्टिंग ब्रांड भी बनाना है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। तो ये कोलैबोरेट किए एक यूके बेस्ड कंपनी के कॉल्ड प्रेस्टीज। एक्चुअली प्रेस्टीज ने इनको बोला कि आप लोग तो बहुत मचा रहे हो यहाँ पर यार, और कुकर का मार्केट ही एशिया में है, इंडिया में है, तो हमारा ब्रांड नेम काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, लोग को पसंद है और इंटरनेशनल है, आप हमारा ब्रांड नेम यूज़ करो। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो ये बन गया TTK प्रेस्टीज कुकवेयर कंपनी। और फिर नरसिम्हन के बाद आए मिस्टर TTK जगन्नाथन। हमारे जो इनिशियल फाउंडर थे मिस्टर कृष्णमाचारी, हमारे सीड आइडिया डेवलपर थे। उसके बाद मिस्टर नरसिम्हन, इन्होंने किया आइडिया को डेवलप और ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। और फिर जगन्नाथन ने किया स्केल। आजकल स्टार्टअप्स इसको 2-3 साल में करते हैं, शायद इसलिए वो अच्छा नहीं कर पाते यहाँ पे, दे टुक सम टाइम, लेकिन तीनों जनरेशन्स ने एक चीज़ पकड़ के उसको बहुत अच्छे से किया। एंड द लास्ट पर्सन हमारे जनरेशन से ही मिस्टर जगन्नाथन, इसने आसपास की कंपनीज को देखा, कोई अच्छा इंस्पायरिंग मूवी देखा होगा और बोला कि यार मुझे TTK प्रेस्टीज को ना स्केल करना है। तो ही स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग, एक्सपोर्ट चालू कर दिया। इनफैक्ट आपने इनका एड भी देखा होगा। जो बीवी से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे कर इनका। अब हम स्टोरी और हिस्ट्री तो समझ गए TTK प्रेस्टीज का, लेकिन मैं ये बता रहा क्यों। एक्चुअली प्रेशर कुकर्स आते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की दुनिया में, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सेल देखते हैं, लेकिन सिर्फ फेस्टिव सीजन अराउंड दिवाली सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो आप ये चार्ट देखेंगे, आप देखोगे कि हर साल फेस्टिव टाइम में 35,000 करोड़, 43,000 करोड़, 50,000 करोड़ स्पेंड होता है, लेकिन 2021 में 1,00,000 करोड़ के ऊपर स्पेंड हुआ था सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। और मैं पूरी साल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फेस्टिव सीजन की बात कर रहा हूँ। लेट्स डाइव इनटू द PNL। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे सेल्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, प्रॉफिट की तरफ मत जाओ, वापस ऊपर आओ सेल्स में। सेल्स में आप देखोगे हर सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर में सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे, फॉर एग्जांपल 800 करोड़ के आसपास सितंबर दिसंबर 2021 में, और जून 21 में सिर्फ 400 करोड़। तो ऑफ कोर्स सितंबर दिसंबर इज देयर बेस्ट टाइम रेवेन्यू वाइज, एंड ये कुछ 65% ऑफ पूरे साल का रेवेन्यू रिप्रेजेंट करता है ये सिर्फ 2 क्वार्टर में। जब सेल्स बढ़ता है इस टाइम पे, उसी प्रोपोर्शन में नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है, जैसे आप देखेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इस रिपोर्ट में, आप देखोगे OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब जनरली प्रॉफिट मार्जिन कम होता रहता है ट्रेडिशनली कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कॉम्पिटिशन रिड्यूसेस प्राइसेस एंड रिड्यूसेस मार्जिन, इट्स जस्ट हाउ इट इज़, बिकॉज कंज्यूमर स्मार्टर हो जाता है। एन इनविजिबल हैंड आपने पढ़ा होगा एडम स्मिथ का, दैट्स व्हाट हैपेंस इन एन ओपन मार्केट। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता नहीं है,
लेकिन इस केस में ऑफ कोर्स टीटी के प्रेस्टीज का बढ़ रहा है हर क्वार्टर हर साल। ये कुछ कुछ छोटे छोटे न्यूआंस चीज़ लाते हैं, हल्का सा प्रोडक्ट इम्प्रूव करते हैं एंड उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा चार्ज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है। थोड़ा आगे जाएंगे तो मैं आपको अब एक इंटरेस्टिंग मैन्युफैक्चर और रिटेल की कहानी सुनाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का ऐसे होता है, तो ये है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, ये है क्लाउड्स, इसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चर क्या करता है, सामान बनाता है और ये सामान गो स्ट्रेट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे दे देता है रिटेल शॉप्स को। तो मैं इसको ऐसे शॉप बना देता हूँ, SHOP, और शॉप वो जगह है जहाँ पे हम जाके ये सामान ऑब्वियसली खरीदते हैं। तो यहाँ पे लोग हैं, तो ये हम जैसे लोग जाते हैं। ये शॉप ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, बट ये जनरली डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है कि मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर का देता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारे शॉप्स हैं या लिंकेजेस हैं शॉप्स के पास, एंड जो माल है जो प्रेशर कुकर्स है वो शॉप तक पहुंचाता है। अब मैन्युफैक्चरर बहुत स्मार्ट है, इसको अगर ज़्यादा पैसा दिखाना है कि मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ या बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो एक बहुत स्मार्ट चीज़ कर सकते हैं। जो भी इसका प्रोडक्ट है, मैं एक ऐसे बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को और इनवॉइस कर देता है मान लो 100 करोड़ का। तो यहां पे लिख देता हूं 100 करोड़। अब डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा रख लेता है, बेच नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है पुश करने की, एंड ये माल जो है ये आगे जाता नहीं है। लेकिन मिस्टर मैन्युफैक्चरर ने दिखा दिया कि भैया 100 करोड़ का सेल कर चुके हैं, जबकि ये 100 करोड़ हुआ नहीं है। इनवॉइस बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है उसकी वजह से ये एक्चुअली दिखा सकते हैं। लेकिन जब ये होता है ना, फाइनेंशियल पेपर्स हमको सब बताते हैं, कैश फ्लो में आपको ये 100 करोड़ दिखेगा नहीं। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरर्स सेल्स बहुत दिखा देते हैं लेकिन एक्चुअली कैश आया नहीं होता है, वो इस वजह से है। लेकिन टीटी के प्रेस्टीज का कहानी कुछ अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे अगर इसका कैश फ्लो साइकिल दिखाऊंगा तो आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 22 करोड़ था 2006 में, और आप राइट में जाओगे 2022 में, यहाँ पे ये 294 करोड़ है। उसी टाइम में उनका नेट प्रॉफिट 320 करोड़ था। तो इनका जो इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट की इक्वल है। इसका मतलब टीटी के प्रेस्टीज ये नहीं कर रहा है, एक्चुअली जो सामान है एक्चुअली शॉप तक जाता है, एक्चुअली लोग खरीदते हैं स्टफ वर्थ 100 करोड़ और वो एक्चुअली कैश वापस आता है। इसको कहते हैं कैश फ्लो। तो दिस इज़ वेरी गुड। आप यहाँ पे देखोगे इसका मतलब है ये एक्चुअली जो कैश कन्वर्जन है, द बिजनेस इज एबल टू कन्वर्ट इट्स प्रोडक्ट इनटू कैश एंड गेट दैट कैश इन द बैंक। तो नेक्स्ट टाइम यू सी कि कोई मैन्युफैक्चरर या कोई भी बिजनेस बहुत अच्छी सेल्स दिखा रहा है, एक बार कैश फ्लो पे नज़र मार लो, क्या वो पैसा आ रहा है कि सिर्फ इनवॉइस रेज कर दिया। एक और बहुत बढ़िया चीज़ है अबाउट टीटी के प्रेस्टीज इज दैट द प्रमोटर ओन्स 70% ऑफ द कंपनी। आई लव दिस बिकॉज यू हैव स्किन इन द गेम। रिमेंबर, अगर आपके पास स्किन इन द गेम नहीं है और आप सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हो, विल यू एक्चुअली डू योर बेस्ट? अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स टुडे द फाउंडर्स डोंट ओन अ लॉट ऑफ इक्विटी एंड आई हेट दैट। अगर आपके पास इक्विटी नहीं है तो यार संडे छुट्टी लेते हो क्या? आई थिंक फाउंडर्स को काम करना चाहिए, एटलीस्ट सोचना चाहिए। बट यहाँ पे टीटी के प्रेस्टीज के ओनर्स ओन 70% विच इज अ गुड थिंग। एंड बहुत सालों से आप देखोगे 2019 से लेके 2022 तक द प्रोमोटर्स कंटिन्यू टू होल्ड दैट सेम अमाउंट। FIIs का रफली 10-9% के आसपास घूमता रहता है। लेकिन कूल चीज़ ये है जो पब्लिक है, यार पब्लिक के पास सिर्फ 7% है। अब पब्लिक तो देखो आप हो मैं हूँ, लेकिन नथिंग अगेंस्ट यू गाइस, बट पब्लिक के पास जितना कम हो जनरली अच्छा होता है बिकॉज वॉलेटिलिटी नहीं होती है। अब बर्कशायर हैथवे फॉर एग्जांपल आपने शायद सुना होगा, करोड़ों का एक शेयर है, उसे पब्लिक होल्डिंग है ही नहीं, तो उसमें वॉलेटिलिटी भी नहीं होती है बिकॉज सिर्फ लार्ज इंस्टीट्यूशन उसको बेच या खरीद सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे बहुत पब्लिक नहीं है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है बिकॉज इंस्टीट्यूशन सोच समझ के धीरे धीरे अक्यूमुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। That was it for the first company. अब I want to know, आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ आपको टीटी के प्रेस्टीज के बारे में क्या लगा। Are you surprised कि ऐसी भी कोई कंपनी थी? कुछ खराब लगा? Especially अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगा या बहुत खराब लगा, प्लीज कमेंट्स में डालो, एक दूसरे से हम भी सीख पाएंगे। दूसरी कंपनी यूल बी सरप्राइज टू नो इज कॉल्ड
Titan. Titan not only makes watches and spectacles, they also own Tanishq. और आपको पता है धनतेरस में क्या होता है? मम्मी, बहने, everyone at home want to go and buy gold. अब हम सब तनिष्क तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हमने ऐड देखे, इनके स्टोर्स देखे, लेकिन हमेशा से तनिष्क का जो ब्रांड नेम है, जो ट्रस्ट है, हमेशा से नहीं था. तनिष्क भी एक स्टार्टअप था बैंगलोर में बहुत साल पहले, स्टार्टेड बाय ज़र्क्सीज़. वो 300 वाला नहीं, ये ज़र्क्सीज़ देसाई है. ज़र्क्सीज़ देसाई ने सोचा कि मैं तनिष्क का स्टोर तो खोल लिया और गोल्ड भी बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई आ नहीं रहा है. एंड इसका वजह बहुत ऑब्वियस था. सब लोग गोल्ड, सिल्वर और ऐसी चीज़ें अपने फैमिली ज्वेलर से खरीदते थे, तो मेरे पापा, मेरे मदर, शायद मेरे ग्रैंड मदर ने उसी ज्वेलर से खरीदा था. वहाँ पे रिलेशनशिप था, हिस्ट्री थी, एंड आप किसी ब्रांड के पास क्यों जाओगे? तो इसको कॉम्बैट करने के लिए ज़र्क्सीज ने सोचा कि मैं एक मशीन लाता हूँ, अब्रॉड से, जो कोई भी गोल्ड का पीस चेक करके उसका प्योरिटी बता सकता है. ये सिंपल मशीन था, वो लाए, बहुत एक्साइटेड थे एज एन एंटरप्रेन्योर. उन्होंने बोला अब मैं गोल्ड चेक कर पाऊंगा, एक सर्विस प्रोवाइड करूंगा, शायद फुटफॉल आए, बट एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं. तो ही मेट दिस वुमन, एंड वुमन को बोला आपका जो गोल्ड का पीस है आप आके चेक कीजिए, मुझे देखना है मशीन चल भी रही है कि नहीं. वो मशीन ने बोला कि ये गोल्ड का पीस 18 कैरेट का है. एंड द वुमन सेज ये तो सच नहीं है, ये 22 कैरेट का गोल्ड है, आपका मशीन नहीं चल रहा है, इसको ठीक कराओ. फिर ज़र्क्सीज़ गया कंपनी के पास, ठीक कराया, इंजीनियर्स ने खोला, एंड दे फाउंड आउट कि मशीन बिल्कुल सही थी. एंड उस लेडी के पास गए, बोले मैम मशीन तो सही है, आपका ये जो है गोल्ड का पीस, ये 18 कैरेट है, 22 कैरेट नहीं. और तब उसको चमका कि ये शायद बहुत सारे लोग के साथ ये स्कैम हो रहा होगा. तो इसने इसको एक बिजनेस आइडिया, मार्केटिंग आइडिया बना के बोला सबको, आप आओ तनिष्क के स्टोर्स, प्योरिटी चेक करो, अगर आपका एग्जिस्टिंग गोल्ड 22 कैरेट से कम है, यानी कि 18 या 19 कैरेट है, 20 कैरेट है, मैं आपको वापस इन एक्सचेंज 22 कैरेट दूंगा, आप मुझे वो 18 कैरेट वापस कर दो. एंड ऑफ कोर्स इसमें तनिष्क लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन जो ट्रस्ट था वो फैमिली ज्वेलर से अब ट्रांसफर होने लग गया तनिष्क की तरफ. अब कमिंग बैक टू द दिवाली सीजन, गोल्ड का जो डिमांड है वो ये है. दिस इज 350 टन्स 2021 जस्ट इन फेस्टिव सीजन. एक्चुअली गोल्ड का डिमांड हैज़ नथिंग टू डू विद तनिष्क और एनी ऑफ दिस, इट्स पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. हमको सेफ्टी गोल्ड लगता है, आपके पेरेंट्स ने भी बोला होगा. और आज भी गांव में जब कोई खरीदता है गोल्ड, वो बेचने की कभी नहीं सोचता, इनफैक्ट बेचना को बहुत बुरा मानते हैं. तो वो सोचता है अगर गोल्ड खरीदा है ये तो कभी बेचूंगा ही नहीं. काश यही चीज़ ये लोग इक्विटी के साथ करते हैं, थोड़ा देश अलग होता. एनीवे, तनिष्क के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज गोल्ड इज बरीड डीप इन आवर साइकी एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो अब जाते हैं PNL में, देखते हैं कि इतना डिमांड और ये सब कुछ बात कर लिया, ज़र्क्सीज़ भी आ गए, क्या ये PNL में कुछ ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं. और आप ये देखेंगे कि धनतेरस के टाइम पे क्वार्टरली PNL जो है सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर्स सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे होते हैं टॉप लाइन में. तो आप देखोगे सेल्स यहाँ पे 4,500 करोड़ है, 7,600 करोड़ है, लेकिन जून जैसे क्वार्टर में सिर्फ 1900 करोड़ है, 2020 की बात कर रहा हूँ. अब आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन हमने देखा था कि मार्जिन तो था नहीं तनिष्क का इनिशियली जब शुरू किया था, उसमें कंपनी का लॉस था क्योंकि वो एक्सचेंज कर रहा था और कस्टमर का गेन था. तो ये नेट प्रॉफिट आ रहा कहाँ से? वेल, जो वो ट्रस्ट वो तब जीते थे हैज़ नाउ टर्न्ड इनटू मेकिंग चार्जेस. मेकिंग चार्जेस सिंपली क्या है, जब आप ज्वेलरी खरीदते हो उसका जो कॉस्ट है उसके ऊपर जो मार्जिन होता है कंपनी का, उसको मेकिंग चार्जेस बोलते हैं. आपने सुना होगा ये ना, जनरली ये कुछ 17-18% का होता है कोई नॉर्मल ज्वेलर के पास. तनिष्क 27-28% चार्ज करते हैं और लोग पे करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ट्रस्ट है, आप चेक कर सकते हो, प्योरिटी टेस्टिंग है. एंड वो जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट विद अदर ज्वेलर्स, तनिष्क उसका फ़ायदा उठाता है एंड वही उसका प्रॉफिट मार्जिन है. तो नाउ दैट यू नो द हिस्ट्री ऑफ टाइटन एंड थोड़ा बहुत हमने फाइनेंशियल्स भी देखे, व्हाई डू यू थिंक कि ये और ऊपर जाएगा? बिकॉज 2001 से आई थिंक तब बिग बुल मिस्टर लेट राकेश जुनरवाला एंटर किए थे अराउंड दैट टाइम, बहुत सारे FIIs का ट्रस्ट आ गया था इस कंपनी पे एंड ये मल्टी बैगर बन गया, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है. तो क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं? अब प्राइस का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज प्राइस को तो किसी को नहीं पता क्या होगा, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम देख सकते हैं कि ग्रोथ क्या है. तो इसमें तीन चीज़ें हैं,
अगर आप देखोगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल का एवरेज 17% है, लेकिन लास्ट 12 मंथ्स इज 50%. तो सेल्स एक्सेलरेट हुआ है बाय ऑलमोस्ट 3 or 4x आई गेस. फिर है प्रॉफिट ग्रोथ, वो भी 132% अप है कंपेयर टू अ 5-year एवरेज ऑफ 23%. तो मतलब प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है. स्टॉक प्राइस तो चलो इसको स्किप करते हैं, स्टॉक प्राइस हैज़ मोर टू डू विद कौन खरीद रहा बेच रहा है. बट जो रिटर्न ऑन एक्विटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. 5 years का एवरेज 22% है बट लास्ट ईयर इज 26%. तो एवरीथिंग फ्रॉम सेल्स टू प्रॉफिट एंड इवन ROE एक्सेलरेट किया है ओवर द लास्ट 12 months. इसका मतलब है द बिजनेस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग. एंड अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो होपफुली ये भी ट्रांसलेट होगा इन टू बेटर फाइनेंशियल्स इन द फ्यूचर. तो आपको अगर एनालाइज करना है आप प्लीज़ 3 चीज़ें डालिए कमेंट्स में. आपको कंपनी कैसे लगी, फ्यूचर क्या लगता है, रिस्क क्या क्या लगता है आपको इस कंपनी में हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि लोग खरीदे नहीं इसे, इनका ट्रस्ट खत्म हो जाए, या फॉर सम रीज़न ये स्टॉक और ऊपर नहीं जा पे बिकॉज सैचुरेशन हो चुका है. आपको क्या लगता है रिस्क क्या है प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, एक दूसरे से सीखेंगे. एंड इफ़ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग प्लीज़ से सम नाइस वर्ड्स. यहाँ बहुत सारे लोग हैं विच मेक दिस वन वीडियो पॉसिबल, राइट फ्रॉम वीडियो प्रोडक्शन टू एनिमेशन टू राइटिंग. ऑल आई डू इज रियली से वॉट दे हैव रिटन फॉर मी. सो इफ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग से सम नाइस थिंग्स फॉर टीम लर्न ऐप एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.